जी हाँ नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां हरियाणा सीएम को बड़ा झटका, हरियाणा सरकार को मंत्रिमंडल पर नोटिस। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। हरियाणा में 14 मंत्री बनाए जाने के विरोध में दाखिल याचिका पर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने हरियाणा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। 17 अक्टूबर को नायब सैनी के अलावा 13 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को एडवोकेट जगमोहन भट्टी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया कि मंत्रिमंडल में अधिकतम मंत्री 13.5 हो सकते हैं, लेकिन हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं। संविधान के 91 संशोधन के तहत राज्य में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। याचिका में भट्टी ने हरियाणा के सीएम नायब सैनी अनिल विज, कृष्णपाल पवार राव, नरवीर महिपाल डांडा, विपुल गोयल, डॉक्टर अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा, कृष्ण कुमार बेदी, श्रुति चौधरी, आरती राव, राजेश नागर और गौरव गौतम के अलावा केंद्र सरकार व हरियाणा विधानसभा का प्रतिवादी बनाया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार द्वारा जो मंत्री पद और कैबिनेट रैंक बांटी गई है उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। विधायकों को खुश करने के लिए मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है और उनका भुगतान जनता की कमाई से किया जाता है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए कहा कि तय समय से अधिक मंत्री होने के चलते अतिरिक्त मंत्रियों को हटाया जाए, याचिका पेंडिंग रहने तक उन्हें मिलने वाले लाभ पर भी रोक लगाई जाए। इससे पहले भी जगमोहन सिंह भट्टी एडवोकेट ने 13वीं व 14वीं विधानसभा के दौरान 15 PhD से ज्यादा मंत्री बनाए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।